हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मैंडलिन व्लॉग्स में। आज के वीडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बात करेंगे, वो है फेरी वाले के इशू के बारे में। फेरी वाले यानी हॉकर्स, सिंपल शब्दों में बताऊं तो रोड साइड पे इलीगल तरीके से ठेला लगाने वाले। तो हॉकर्स ये कोई नई चीज नहीं है इंडिया में, कई सालों से हॉकर्स एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि राजा महाराजा के वक्त से हॉकर्स सामान बेचते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। और फेरी वाले दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉस्टर मॉन्गर और दूसरे पेडलर। ये इंग्लिश के शब्द शायद डिफिकल्ट है, पर इनका मतलब सिंपल है। कॉस्टर मॉन्गर यानी वो ठेले वाले जो एक जगह अपना ठेला लगाते हैं, जैसे सब्जी वाले, फ्रूट वाले, कपड़े वाले एक्सेट्रा। और पेडलर, तो पेडलर सुन के आपको अलग मतलब निकलेगा। उससे पहले बता दूं कि पेडलर यानी जो हर एक एक के दरवाजे तक जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए। तो कई सारे बिल्डिंग्स और सोसाइटी के बाहर आपने बोर्ड देखा होगा कि हॉकर्स नॉट अलाउड, तो ये वही लोग होते हैं। कॉस्टर मॉन्गर हॉकर्स में भी दो टाइप्स होते हैं, एक इलीगल होते हैं और दूसरे लीगल। पर इनके प्रोडक्ट्स इलीगल नहीं होते, पर बेचने का तरीका इलीगल होता है। जैसे कि सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट, फिश मार्केट होते हैं, जहाँ आपको भारी मात्रा में हॉकर्स दिखते हैं। इनको गवर्नमेंट ने जगह दी है अपना सामान बेचने के लिए। और दूसरे होते हैं जो स्टेशन के साइड अपना ठेला लगाते हैं विदाउट परमिशन, जिसके बारे में पिछले साल कई सारी चीजें हुई थी डोंबिवली के हॉकर्स के लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक होता है, रोड कंजेस्टेड फील होता है। और इसी वजह से KDMC ने कल्याण और डोंबिवली में दिसंबर 2023 में क्लीनअप ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 12 हाथ गाड़ी, 15 स्टॉल और 10 इलीगल शेड्स हटा दिए, और न जाने कितने और रोड साइड हॉकर्स को हटाया होगा। पर ये लोग आते कहाँ से? शायद मुंबई के बाहर से आते होंगे पैसे कमाने के लिए, जिसमें कई सारे स्टेट के लोग होते हैं। और मुंबई एक ड्रीम स्पॉट है सेलर्स के लिए, जिसको कभी भी कुछ भी बेचना हो, पैसा कमाना हो, वो मुंबई में ही आएगा। लेकिन एक मिनट, क्या इन हॉकर्स का पब्लिक को डायरेक्टली कोई नुकसान हो रहा है क्या? तो इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो ट्रैफिक और कंजेशन है, बल्कि हम ही वो पब्लिक है जो इनसे सामान लेते हैं। क्योंकि अगर हमें सेम चीज दुकान से खरीदेंगे तो महंगी मिलेंगी। ऑफकोर्स क्वालिटी मैटर्स, लेकिन आप सोचो इसमें एक्चुअली पब्लिक का ही फायदा होता होगा। इससे सब लोग सहमत नहीं होंगे एंड इट्स फाइन, बट ये लोग भी सर्वाइवल के लिए करते हैं ये सब। लेकिन एक अलग साइड भी है जहां हॉकर्स की भी गलती होती है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लास्ट ईयर मार्च 2023 में MNS MLA राजू पाटिल जी ने डोंबिवली के फेरी वालों को हटाया था और KDMC से इंश्योर करवाया था कि ये लोग फिर से यहाँ नहीं आने चाहिए। और इसका रीजन ट्रैफिक और पब्लिक को होने वाली इनकन्वीनियंस तो है, पर अगर इन ठेले वालों को नॉर्मल पब्लिक का धक्का लगता है तो ये फेरी वाले उनको मारने लग जाते हैं। और इसी वजह से राजू पाटिल जी खुद डोंबिवली स्टेशन पे आए थे। लेकिन आज की कंडीशन देखो तो अभी भी फेरी वाले डोंबिवली स्टेशन के बाहर बैठे हैं। लेकिन KDMC ने तो क्लीनअप किया था, लेकिन उसके बावजूद भी फेरी वाले हैं। तो क्या इस क्लीनअप का एक्चुअली कोई मतलब है? क्या एक दिन हटाएंगे तो दूसरे दिन आपको फिर दिखेंगे? इसका परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए, जिससे पब्लिक को भी परेशानी ना हो और इन हॉकर्स को भी फायदा हो सके। इतने भी स्टेशन के साइड पे बेचने वाले लोग हैं, मुझे उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये लोग चीजें सस्ते में बेचते हैं एज कम्पेयर टू शॉप्स, जिसमें मिडिल क्लास लोगों का ही फायदा है। लेकिन है तो ये इलीगल, और हमेशा इन लोगों के मन में डर रख के ही काम करना होगा कि अचानक कहीं से म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी ना आ जाए। तो इसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन हो सकता है, वो ये है कि गवर्नमेंट अगर ऑर्गेनाइज तरीके से इन सेलर्स को शॉप अलॉट करे तो उसके बदले जो भी पैसे है वो आप इनसे ले सकते हो, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आने पे लोगों को पैसे देने ही पड़ते होंगे फाइन के तौर पर। और शॉप्स अलॉट इस तरीके से होने चाहिए कि स्टेशन साइड के रोड्स पे ट्रैफिक ना हो, खास करके कंजेस्टेड रोड, और डोंबिवली ईस्ट इसका परफेक्ट एग्जांपल है। डोंबिवली में ही देखा होगा वेस्ट का फिश मार्केट, जो मच्छी वालों को अलॉट किया गया है, फिर भाजी मार्केट, वो भी भाजी वालों को अलॉट किया गया है भाजी बेचने के लिए। और वैसे ही स्टेशन साइड के फेरी वालों को भी ऐसे प्लेसेस दिए जाए तो बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे कितनी बार इनको हटाया जाए। तो ऐसा कोई सोल्यूशन होना चाहिए जिससे कॉमन मैन को भी तकलीफ ना हो, वो लोग भी इनसे सामान खरीद सके, और इन फेरी वालों को भी नुकसान ना हो, और KDMC को भी बार बार इन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना हो। स्टेशन साइड पे शॉप्स अलॉट करना इजी नहीं होगा, क्योंकि स्टेशन का स्पेस ऑलरेडी फुल है, पर गवर्नमेंट अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहता है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकता है। फेरी वालों से या फिर इनके कुछ बेचने से मुझे जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ऑर्गेनाइज तरीके से बेचा जाए तो इन लोगों को भी बार बार परेशान ना होना पड़े।
तो आपको क्या लगता है इन फेरी वालों को रोड से परमानेंटली हटा के अगर इनको स्टेशन के नियर कॉम्प्लेक्स बना के अगर शॉप रेंट किया जाए तो कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नो ट्रैफिक, नो केओस, क्लियर रोड जहाँ सिर्फ लोग और व्हीकल हो। दूसरा, जब भी म्यूनसिपालिटी आती है तो इनको भागना पड़ता है और अपना पूरा सामान भी देना पड़ता है और इसमें 100% नुकसान भी है। तो रेंट पे शॉप्स लेके अगर बेचेंगे तो ये रोज रोज की तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा ओपिनियन था फेरी वालों के लिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और आपका ओपिनियन भी मुझे देना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको ऐसा लगता है कि इस आइडिया से कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।